नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे सक्खर और गुटकी से तब्दील किए जाने वाले DIG पीर मोहम्मद शाह और डॉक्टर अब्दुल हफीज बुगटी पर कि आखिर इन दोनों में से वो कौन है जो कि कच्चे के डाकुओं का मुबैना तौर पर सरपरस्त, उनका खैरख्वाह और ख़ुद उनका जो है सहूलतकार, और वो कौन है जो कि खुद कच्चे के डाकुओं को जो है वो हकीकी मानों में जो है वो कौमी धारे में लाते हुए उन्हें हथियार डालने पर मजबूर करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ख्वाबों को जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अनफोल्ड होना शुरू हो गई है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 अक्टूबर को जब साबिका MPA शहरियार शर के अमन काफले पर जब फायरिंग की गई जिसमें 2 अफराद हलाक और मुतअद्दद शदीद जख्मी हुए, और उसके नतीजे में जब खुद रौंती थाने के SHO शकूर लाको की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो सक्खर के DIG बेकाबू हो गए, उनसे रहा ना गया और बिला किसी एक्सप्लेनेशन के उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो गुटकी के SSP हफीज बुगटी के खिलाफ जो है IG सिंह को भिजवा दी। हालांकि उसूलन जो है वो उन्हें जवाब तलबी करनी चाहिए थी जो इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं अपने SSP पर, लेकिन उन्होंने उसकी जहमत गवारा नहीं की, रूल और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए डायरेक्ट जो है रिपोर्ट IG सिंह को भिजवा दी। और आफरीन है IG सिंह पर कि उन्होंने उस रिपोर्ट को वसूल करने के बाद सर्द मोहरी का बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हुए 5 दिन तक जो है उस रिपोर्ट को दबाए रखे। कोई उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं की SSP गुटकी से कि तुम्हारे DIG ने इतनी ख़तरनाक किस्म का जो है वो रिपोर्ट भिजवाई है तुम्हारे मुतालिक, तुम्हारे कारनामों से मुतालिक, तुम क्या कहना चाहते हो, उनसे कोई जवाब तलबी नहीं। एक तरीके से जो है वो उस खुफिया रिपोर्ट को जो है वो लीक कर दिया गया मीडिया के सामने, और एक मीडिया ट्रायल जो है वो खुद नौजवान SSP गुटकी का शुरू करवा दिया गया। 5 दिन तक जो है SSP गुटकी खामोश रहे, इंतज़ार करते रहे अपने IG का कि शायद वहाँ से कोई खैर खबर आ जाए, वो कोई जवाब तलबीन से करे तो उन्हें भी अपनी बात करने का, अपना सफाई पेश करने का उन्हें मौका मिले, अपना मौकिफ बयान करने का। लेकिन जब कोई वहाँ से ठस से मस्त नहीं हुआ, एक तरफा मीडिया ट्रायल जो है नौजवान SSP के ख़िलाफ़ चलता रहा, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने 1.5 सफ़े का जो है वो व्हाट्सअप मैसेज IG सिंह को भिजवा दिया। 2 दिन तक व्हाट्सअप मैसेज का भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 3rd दिन जो है वो IG की जानिब से उन्हें जवाब मिला और उनसे कहा गया कि तुमसे ये नहीं कहा गया था कि तुम जो है वो डाकुओं से मेल जोल रखो। एक तरीके से इस किस्म का जवाब देकर IG सिंह ने जो है वो DIG सक्खर की उस रिपोर्ट को उन्होंने एंडोर्स कर दिया, यानी उस पर एक तरीके से यकीन करते हुए इस किस्म की जो है वो जुमले उन्होंने लिखे खुद नौजवान SSP के लिए। और फिर उन्हें ये भी ताकीद की कि अब तुम्हें कोई रिपोर्ट भिजवाने की ज़रूरत नहीं, ये मैसेज उन्होंने कर दिया। अब दूसरी जानिब से जब टाइपिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जब IG को एहसास हुआ कि अब इसका रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से SSP की तरफ से, तो उसी वक्त कहते हैं कि IG ने जो है एक टेलीफोन कॉल कर दी। ये तमाम गुफ्तगू अंडरलाइन करने वाली बहुत ही अहमियत की हामिल जो है ये सोचने बातें कर रहा हूँ। IG की जानिब से उन्हें जो है वो फ़ोन आया और कहा कि ये अब मैसेज खेलना बंद कर दे, ये कह के उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। एक तरीके से शटअप कॉल जो है वो दे दी गई खुद नौजवान SSP डॉक्टर हफीज बुगटी को। अब मेरे प्रोग्राम में भी इमदाद सोमरो भी कहते रहे कि कसूर डॉक्टर हफीज बुगटी का है कि वो मीडिया पर क्यों गए, क्यों उन्होंने मीडिया के सामने अपने पेट से कपड़ा उठाया, यानी कि सिंध पुलिस को उन्होंने और सिंध हुकूमत को क्यों नंगा किया। ये इल्ज़ाम है SSP अब्दुल हफीज बुगटी की सच्चाई पर, जो सच कहते रहे
जो हुआ उसको बयान करते रहे। यानी कानून जो है इस मुल्क में, पुलिस में जो है, सिर्फ निचले अमले के लिए है, रैंकर्स के लिए है, एसपीस के लिए, डीआईजीस, आईजीस के लिए कोई कानून नहीं है। वो जो कुछ करें वो अपने लिए आज़ाद हैं, अपने जो भी कर रहे हैं। यानी मीडिया ट्रायल वहाँ से हुआ, वो रिपोर्ट लीक कर दी गई, किसी ने उनसे कुछ पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की। अगर अब्दुल हफीज बुगटी ने कुछ कहना शुरू कर दिया अपनी सफाई में, जो कि उनका एक राइट है, उनको मौका नहीं दिएगा, कोई फोरम उनके पास नहीं था अपना मौकफ बयान करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कोशिश की। पहला तो खुद उनके डीआईजी जो है पी मोहम्मद शाह ने उनको मौका नहीं दिया, डायरेक्ट रिपोर्ट भेज दी। उसके बाद जहां रिपोर्ट गई आईजी को, तो कानूनन जो है उन्हें मौका देना चाहिए था। आईजी ने भी उन्हें शराब कॉल दे दी और उनको कोई मौका नहीं दिया, बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि मैसेज करना छोड़ दो। अब उनके पास क्या था सिवाय मीडिया का सहारा, अपना बयान, अपना मौके बयान करने। यानी कि बकौल शायर के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल वही बात है कि वहाँ इतना बड़ा मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, तो वहाँ पर तो आईजी ने आंखें अपनी बंद रखी हुई थी। अब अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो जो जनाब ये तो बहुत बड़ी शान में गुस्ताखी हो गई, तो सिंध पुलिस की जो है इज्जत नामूस को इस नए लड़के ने जो है दाव पे लगा दिया। यानी सच कोई नहीं सुन सकता, सच बहुत कड़वा होता है। मैं सच के साथ हूँ, मैंने मौका बहुत दिया, बहुत दरवाज़ा कटकटाया मैंने, खुद पी मोहम्मद शाह का दरवाज़ा मैंने कटकटाया, दूसरे जो है वो हैदराबाद की डीआईजी का दरवाज़ा मैंने कटकटाया, खुद नवाब शाह के एसएसपी का, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई समझते ही नहीं कि भाई जो है ये कहने दो, उसको एक तरफा प्रोग्राम करने दो। प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हकायक हम बयान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो जो राह इख्तियार किया है खुद अब्दुल हफीज़ बुगटी जो है, वो डॉक्टर जो हैं एसएसपी गोटकी जिनका तबादला हो चुका है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उनका ये राइट था, उन्होंने किया है, ये कोई उनका जुर्म नहीं है, कोई उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की है। अपना मौकिफ उनको बयान करने का जब आप मौका नहीं दोगे तो क्या करेगा वो? उन्होंने वही किया जो उसे करना चाहिए। तो मैं उनको जो है, मैं मेरी नज़र में जो है ये उनका कोई जुर्म नहीं है, कोई उन्होंने ज्यादती नहीं की है। जुर्म है तो फिर यही जुर्म जो है वो डीआईजी सक्कर पहले कर चुके, पहले उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, इंसाफ का तकाजा ये, फिर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब मैंने कहा था ना कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी है। इल्ज़ाम क्या लगाए गए थे इज़्ज़त मआब डीआईजी सक्कर की तरफ से? इल्ज़ामात ये लगाए गए थे कि ये जो है ये डाकुओं से मेल जोल रखता है। डाकू कौन था? उमर शर, एक मोतबर आदमी है। उमर शर को अगर वो डाकू कहता है तो इस उमर शर के पास तो खुद आईजी गुलाम नबी मेमन भी जा चुके थे उनकी मदद लेने के लिए, जबकि एसएसपी गोटकी हुआ करते थे, खुद वलीउल्लाह दल जाया करते थे, खुद जीओसी जाया करते थे, इतना उनका असर रसूख था। तो बहरहाल अब ये तस्वीर इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? ये एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू की है। इनकी जो है वो साथ में हम मेहर शर नाम है इसका, मेहर उर्फ मेरू शर नाम इनका। ये साथ में आप देख रहे हैं कि कितने इनके मुकदमात हैं। एक वॉइस मैसेज जो है एक भिजवाया था खुद गेज़ेर हिरासत जो एसएचओ हैं शकूर लाखों ने अपने डीआईजी को कि ये इज़्ज़त का भूखा है, ये आपसे मिलना चाहता है, इनसे मुलाकात कर लें, हमारा फ़ायदा है। और उसके बाद जो है उस पर उन्होंने यस कर दिया और अगले दिन जो है वो मुलाकात हो गई इस डाकू की जिसके इतने कारनामे हैं। अब ये आप एक वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो जो है वो अहमद खान सिलरू की है। अहमद खान सिलरू जो है वो इलाके का एक बहुत बड़ा वडेरा है, कहा यह जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए कहते हैं कि ये भी साबिका एमपीए शहरयार शर के अमन काफले पर फायरिंग करने वालों में मुलव्वस थे। 109 का आनत जुर्म में इनका नाम भी शामिल है। तो अब इनके ताल्लुकात भी जो है खुद ज़ेर हिरासत एसएचओ से हैं। ये तस्वीर आप एक और देख रहे हैं, जिस दिन का वकूआ है उस दिन शाम 5 बजे भी टेलीफोन पर जो है वो गुफ्तगू हुई थी खुद
अहमद खान सिलरो से जो है मुलजिम SHO शकूर लाखो की। यह है सूरत हाल नाज़रीन। अब एक और बड़ी जो इत्तला मिली है वो ये है कि इतना बड़ा वाकया हो चुका है, MPA के काफले पर हमला हुआ, दो अफराद हलाक और बहुत सारे शदीद जख्म, लेकिन DIG सक्खर जो है उनको तौफीक ना हो सकी, वो मौका वारदात पर नहीं आए, उन्होंने मौका वारदात का मुआयना नहीं किया। लाड़काना के DIG नासिर आफ्ताब, जिन्हें सिर्फ इंक्वायरी दी थी IG ने, वो तो आ गए थे रात 11:30 बजे वो कुएं वाले रोज, लेकिन सक्खर के DIG को जहमत ना हो सकी। अब उंगलियां उठ रही हैं कि ये हमला किसने करवाया, क्योंकि ये जो 14 अक्टूबर को ये वाकया हुआ, 13 अक्टूबर को ये प्लान हुआ था, मंसूबा हुआ था कि ये मिलने आएंगे शहर यार उर्फ शर के साथ, जो है वो उमर शर और उनका पूरा ग्रुप आएगा, मीटिंग करेंगे और फिर वो 250 शर जो है वो हथियार डालेंगे, रजा करान तौर अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, जिसमें सनाउल्लाह और सन्नू राहिब शर, ये खतरनाक डाकू है जिन्होंने 12 पुलिस वालों को जो है वो रहीम यार खान में कत्ल किया था, ये गिरफ्तारियां दे रहे हैं अपनी सबके सब। अब ये इल्म जो है वो खुद उमर शर को है कि वो आ रहे हैं 14 को, ये इतला जो है खुद SSP गोटकी को है, यानी कि डॉक्टर हफीज बुकटी को, या फिर उनके काबिल एहतराम DIG को, तीन बंदों के अलावा किसी को इतला नहीं थी। अब इन तीनों में से किसी एक ने जो है ये मुखबरी की है, किसको मुखबरी की है, डाकुओं को नहीं, मुखबरी की है किसको, रोंती थाने के SHO को। पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 14 अक्टूबर को जो है मीटिंग रखी जाती है बाकायदा प्लानिंग के तहत DIG की तरफ से 2 बजे, कि SSP यहाँ पर हो, उमर शर और खुद शहरयार शर उनके दफ्तर में हो, मुलाकात ना हो, वापसी उनकी हो और काम तमाम कर दे, प्लानिंग ये थी। लेकिन उमर शर की तरफ से और खुद शहरयार शर की तरफ से जो है वो SSP को फोन आता है कि हम मिलने आ रहे हैं आपके पास, 2 बजे मीटिंग होती है, 1 बजे वो निकलते हैं, 1:10 पर टेलीफोन आ जाता है, SSP को DIG को फोन करते हैं कि वो मेहमान आ रहे हैं और मैं नहीं आ सकता। SSP कहते हैं कि ठीक है बच्चा, इनसे आप निमट लें और ज़रा पुलिस का मोराल का ख्याल रखना, इस किस्म के एडवाइस देकर टेलीफोन बंद कर देते हैं। अब हैरत की बात है कि 12 बजे से जो है वो घात लगाए बैठे हुए हैं 12 डाकू, 12 मुलजमान, अत्तू और खुद ये जो नाम मैंने लिए, ये सारे मुलजमान जो है वो वहाँ पर घात लगाए बैठे थे अपने शिकार की तलाश में। अब जाहिर है कि जब SSP को बता दिया कि वो आ रहे हैं तो SSP की तरफ से ही इतला दी होगी खुद रोंती के SHO को कि भाई शिकार आ रहे हैं। अब कितने बजे वहाँ से निकलेंगे SSP के ऑफिस से ताकि गात पर बैठे डाकुओं को बताया जाए कि तुम्हारा शिकार आ रहा है, वो फिर अब्दुल हकीम गडानी जो ऑपरेटर है उनसे बात हुई, 2:30 बजे मीटिंग ख़त्म होती है और उसके बाद वो जब निकलते हैं 1/2 घंटे बाद उनका काम तमाम हो जाता है। ये थी सूरत हाल। अब नई बात जो इसमें सामने आई है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सरकारी विजिट था 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, ये स्क्रीन पर आप लेटर देख रहे हैं इसको, सक्खर रेंज, लड़काना रेंज, इन तमाम जगह पर IG के हमरा, वजीर आला के हमरा, गवर्नर के हमरा, वजीर दाखला के हमरा सदर मुमलिकत में आना था और इन्हीं मामलात पर जो है वो रिपोर्टें लेनी थी कि उनके साबिका विजिट का क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है उसमें, उसी के लिए जो है ये गोटकी के SSP को भी मालूम था कि सदर आ रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से जो है वो एक्टिव हो गए थे और उन्हीं की वजह से जो है वो अपनी हिकमत अमली के नतीजे में जो है वो
250 शर्स को जो है, शर्बराजी के 250 डाकुओं को जो है वो कौमी धारे में ला रहे थे, उन्हें जो है वो कानून के आगे पेश कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी अमल में ला रहे थे, वो हथियार डाल रहे थे। ये सारा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को नाकाम बना दिया, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत का दौरा मनसूख कर दिया गया। अब मैं ये कहने में हक के बजानिब हूँ कि ये सब कुछ जो है वो सदर मुमलिकत के दौरे को सबोताज करने के लिए भी किया जा सकता है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कच्चे के डाकुओं को ख़त्म ना करने के लिए कोशिश की, कच्चे के डाकुओं को आबाद रखने के लिए यही कोशिश की कि कच्चे का इलाका जो है वो दहशत की अलामत रहे, यानी कि उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ये इतनी बड़ी साजिश की गई, इतना बड़ा प्लान बनाया गया। कोशिश तो उनकी ये थी कि इसमें से कोई एक भी ना बचे, यानी साबिका MPA शहरयार शर समेत जितने भी शुरका उनके थे उनमें से कोई एक भी बचना नहीं चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये हुआ क्या, और कहे वो जिसने किया। प्लान तो यही था करने वालों का, कहते ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। करने वालों ने तो ये करने की कोशिश की थी कि ये सब कुछ करके हम एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच शिकार कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। जिंदा बच गया, और जिंदा बचने वालों ने जो है वो असल हमला आवरों का खुद ही बांडा फोड़ दिया। शहरयार शर ने बता दिया कि ये हमला उन पर किसने करवाया है। उन्होंने तो SSP गोटकी को मसीहा करार दिया है, अमन का रहबर करार दिया है, तो अमन करने वाला है, अमन कायम करने वाला है। उन्होंने तारीफ की, खुद उमर शर ने तारीफ की थी। तो इस तरीके से जो है करने वालों का जो है वो प्लान नाकाम हो गया। अब वो प्लान उनके अपने गले पड़ गया। SHO गिरफ्तार हो चुके हैं, SHO का टेलीफोन SSP की कस्टडी में है, टेलीफोन में मालूमात का खजाना है, उन्हें उनकी तमाम कमजोरियां जो है उस टेलीफोन के अंदर मौजूद है। तो मेरे पास इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मेरे टेबल पर बिक्री पड़ी है, लेकिन मेरे हाथ इस वक्त बंधे भी हुए हैं कि मैं कुछ ना कहूँ, क्योंकि अभी ये एक मामला जो है वो इंक्वायरी के प्रोसेस से सबको गुजरना है। अगर अभी मैंने सब कुछ कहना शुरू कर दिया तो फिर जो है वो इंक्वायरी मुतासर होगी। वैसे ही माइंड सेट एक बन चुका है, मैंने IG का जो जिक्र किया उनके व्हाट्सअप मैसेजेस का, और किस तरीके से उन्होंने उनको जो है वो एक शटअप कॉल दी, उससे माइंडसेट का पता चल जाता है कि IG क्या चाहते हैं, और IG की तश्कील करदा जो 3 रुकनी टीम है वो किस किस्म की रिपोर्ट जो है वो IG के इशारे पर देने की पाबंद होगी। मैंने कहा था ना कि जुर्म जो है, गुनाह जो है वो डॉक्टर हफीज़ बुकटी का ये है कि उन्होंने सच क्यों कहा। वो बातें जो कि राज व न्यास की थी, वो बातें जो कि बंद कमरों में होनी चाहिए थी, वो उन्होंने जो है पब्लिक में क्यों कहा, उसका इजहार क्यों किया, क्यों अपने पेट से कपड़ा टा के सिंध पुलिस को नंगा कर दिया, उन्होंने सिंध हुकूमत को बरहना कर दिया, ये क्या इन्होंने कर दिया। मैं फिर कहता हूँ कि उन्होंने सही किया। वो कहता है ना कि DIG कर तो ठीक है, मैंने किया तो गुनाह हो गया, यानी हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा तक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है उनका, तो ये मैं उनको फिर अप्रिशिएट करूंगा। मैं कहूंगा कि उन्होंने जो भी कुछ किया ठीक किया, आवाम तक तो बातें पहुंची कि ये हुआ क्या है। ये हमेशा से सरपरस्ती करते हैं और हीरो बन जाते हैं, सरपरस्ती करते हैं और हीरो बन जाते हैं। क्या वजह है कि 13 सालों से जो है वो रोनती जैसे थाने में जो है ये शकूर लाखों वहाँ के SHO है, वहाँ कोई आने को तैयार नहीं, ये वहाँ से जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ करोड़ों की इनकम है, करोड़ों की इनकम है। फिर ये इनकी जो प्राइवेट फोर्स वो क्या करती है, वही तो सब कुछ करती है। बदनाम जो है कच्चे के डाकू होते हैं, कच्चे के डाकू तो अपनी गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के राह में रुकावट कौन था। अब बंद जबाने जो है वो खुलना शुरू हो चुकी है। एक दो दिन में जो है खुद साबिका MPA जिन पर हमला हुआ है वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, बल्कि कहने वाले हैं वो कि उन पर हमला जो है SHO की क्या मजाल है जो उन पर हमला करे। SHO तो चाबी की गुड़िया है, जहां से चाबी आएगी वो चलना शुरू हो जाएगा। वो तो लकीर का फकीर है, वो तो हुक्म का मोहताज है। एक सब इंस्पेक्टर क्या करेगा, मामूली सब इंस्पेक्टर, उन्हें किसने कहा था
अब वो तोती की तरह से बोलने का वक्त आ गया है। वो यही कहेगा कि उसको डीआईजी ने कहा था, वो यही कहेगा कि उसे अहमद खान सिलरू ने कहा था, वो यही कहेगा कि उसे मेहताब डायरी ने कहा था, वो तो किसी न किसी का नाम लेगा। जाहिर है कि ये अकेला उनका अपना फैसला नहीं था, नहीं था, नहीं था। मैं डंके की चोट पे करूं कि ये उनका अपना फैसला नहीं था। डके लफ्जों में तो कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो थोड़ी सी मोहलत मांगी है कुछ बड़े लोगों से। वो टेलीफोनिक बात करने के बाद जो है वो अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर धमाके शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो इस जंग के जद में आ रहे हैं। सदर मुमलिकत को असल हकाइक का इल्म हो चुका है, हसास इदारों को असल सूरत हाल का इल्म हो चुका है कि असल मामला क्या है, कच्छे के डाकुओं का खैर ख्वाह कौन है, कच्छे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है, कच्छे के डाकुओं का मालखोर कौन है, वो कौन है जो कि इस वक्त हुकूमत सिंध की बदनामी का बाइस बन रहा है, वो कौन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन है। सबको पता है कि हफीज बुगटी की पोस्टिंग किसने यहाँ कराई है, वो तो नहीं आ रहा था। पोस्टिंग करवाने का सहरा जो है खुद ज़िया लंजार सूबाई वज़ीर दाखला के सर जाता है, जो इस वक्त इधर उधर हो रहे हैं, मामलात को फेस नहीं कर रहे हैं, मामलात हाथ से निकल गए हैं। इस वक्त सिंध की जो शाह ग्रुप है वो मुतहरिक हो चुका है, पीर मोहम्मद शाह के पीछे लोग खड़े हो चुके हैं, SHO के पीछे लोग खड़े हो चुके हैं, दूसरे DIG हरकत में आ चुके हैं, अब निशाना एक SP को बना रहे हैं। उस SP को जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक सच्चाई से काम लिया, जो था उन्होंने बयान कर दिया। सच हमेशा फैलता है, सच के लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने की, सिंध के बच्चे बच्चे ने सुनी, सिंध का हर किसी ने भी सुनी, उनके मुखालिफीन भी ये कहने पर मजबूर है कि जो भी कुछ उन्होंने कहा वो लफ्ज़ बा लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त है। अब उनके साथ सोतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, क्योंकि उनका ताल्लुक सिंध से नहीं है। मैंने तो खैर बहुत मौका दिया कि दूसरों का मौकफ मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। पीर मोहम्मद शाह से गुजारिश है कि अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। इस तरीके से DIG ज़रा बात कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म हाजिर है। तनवीर तुनियो साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा प्लेटफार्म जो है वो हाजिर है, आप करें, हम आपको जो है वो जगह देंगे। गुड़की के SSP ने IG से पर्सनल हेयरिंग की गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, उन्हें मौका नहीं दिया गया। उनकी दरख्वास्त, उनकी गुजारिश, उनकी रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी गई और एक कमेटी का ऐलान कर दिया गया। यानी जो एक उनका हक था कानूनी, उस हक से उन्हें महरूम कर दिया गया। भाई आप इल्ज़ाम लगाते हो तो मौका तो दो उनको सफाई का, कि अपना मौका तो दे। आपने एकदम इंक्वायरी दे दी आपने, उनको सुने बगैर ये ठीक नहीं है और ना ही ये इंसाफ के मतकाजी है, इस किस्म की हरकत। IG को कम से कम इसमें मेरे ख्याल में न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि IG मुझे इसमें एक तरीके से फरीक जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको भी पता है, हकायक का पता है उनको, क्योंकि खुद DIG लड़काना को जो उन्होंने इंक्वायरी अफसर बनाया था नासिर आफ्ताब को, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है खुद SHO रोंती को जो है गिल्टी करार दिया था कि वो इसमें जो है वो मुलव्वस हैं इस हमले में। यकीनन ये हमला उन्होंने अपने तौर पर नहीं कराया होगा, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यकीनन अपने DIG का और बाकी लोगों का नाम लेंगे जिनके कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया। ये क्रिमिनल अफेंस है, मुकदमा है, इसमें 109 के तहत जो है DIG भी आएगा, 109 के तहत जो है सारे के सारे आएंगे इसमें। अगर मैं अगर कलफ मार करूँ, अगर ये तहकीकात जो है वो गैर जानबदारा तरीके से करवाई गई तो, बग़ैर किसी प्रेशर को बर्दाश्त किए बग़ैर अगर ये इंक्वायरी हुई
तो उसके नतीजे में जो है यकीनन 109 के तहत जो है DIG भी गिरफ्तार होंगे और बाकी जो बड़े बड़े लोगों के नाम है सब के सब इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। और अगर खुद ये रोंती के SHO जो हैं खुद शकूर लाखो इसमें वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर तो समझ जाओ कि ये इनको जो उनके नाम लिए DIG वगैरह इनको सज़ा से कोई नहीं बचा सकेगा अगर सही तरीके से जो है कानून के मुताबिक जो है ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये सिंध पुलिस है, यहाँ एक कितने सारे मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं, खुद उमरकोट वाला जो मामला है, खुद डॉक्टर शाहनवाज का जो कत्ल है जिसमें DIG SSP मुलव्वस है, क्या हुआ उसका, उसमें कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आज तक किसी ने उन्हें गिरफ्तार करने की जहमती गवारा नहीं की। इन्हें मुलजिमान है, FIR में नामिनेट है, किसी ने जमानत नहीं कराई माँ सिवाय एक SSP के, बाकी सब बग़ैर जमानतों के बैठे, लेकिन किसी को कोई हाथ नहीं लगा रही है। आम लोग होते तो पूरे ख़ानदान, अगर उन्हें मिलते तो पूरे ख़ानदान वाले जो है हवालात में होते, लेकिन यह पेटी बंद भाइयों का तो हमेशा ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके से कराची में जो वाक़ियात हुए हैं किसी में भी अभी तक कोई पेशरफ ना हो सकी, तो इतने बड़े बड़े वाक़ियात हो चुके हैं, उन वाक़ियात के सामने ये तो कोई वाक़िया नहीं है, लेकिन ये वाक़िया अपनी ज़ात में सिंध के कच्चे के डाकू के हवाले से तो बहुत बड़ा वाक़िया है। और इस वाक़े में एक SSP जिस तरह ज्वालामुखी की तरह से फटा है, उसने तो पूरे के पूरे सिंध पुलिस को, सिंध हुकूमत को हिला के रख दिया, बल्कि सिंध पुलिस का एक गुना आलूद, एक मकरू चेहरा जो है उस मर्द मोमिन ने जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब कर दी, जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम से कम मैं तो उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो जो भी कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उनका अंदाज़े बयां था, वो बिल्कुल हर लिहाज से दुरुस्त था। कानून सबके लिए होना चाहिए, कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए, मजबूरों के लिए नहीं होना चाहिए कि आप जो बेचारा कमज़ोर है, मजबूर है, उसको तो कानून के जद में ला के आप उन्हें दबाने की कोशिश करें, और जो ज़रा क्या नाम है ताकतवर है तो उसके सामने कानून ही झुक जाए, ये कोई तरीका कार नहीं है। आपने अगर सिंध से जो है वो डाकू कल्चर का खात्मा करना है, अगर आपने सिंध से जो है ये कच्चे के डाकुओं का खात्मा करना है, तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर रिजवान वाली रिपोर्ट को जो है वो उस पर उसको मशीनरा बनाना पड़ेगा, और जो एक्ट है जो हिकमत अमली खुद इस डॉक्टर हफीज़ बुकरी ने अपनाई है, इसको जो है बाकी लोगों को भी मशीनरा बनाने की ज़रूरत नहीं। ये तो नहीं कि कश्मीर का SSP 2 साल से बैठा हुआ, वहाँ से कोई मक्की नहीं मार सका, यही हाल आपका जैकबाबाद के SSP का, यही हाल आपके शिकारपुर का SSP, किसने काम किया है, किसी ने एक काम नहीं किया, जो बेचारा काम करने वाला था तो उसके आगे जो है वो आपने इतनी बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी कर दी और उसको आपने वहाँ से कैसे चलता कर दिया। तो ये तो सिंध पुलिस की सूरत हाल है, यानी जो बंदा काम करने वाला है उसे काम करने नहीं दिया जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे आउट करके उसे सिंध पुलिस से निकालने की कोशिश की जाती है, जो हमेशा से सिंध पुलिस का जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। अपनी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसे लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जाएगा तुम, अल्लाह हाफिज़।